का दौरा किया और कैरन के साथ हर जगह जिस स्टेज पर गए, दुनिया के कोने कोने में अपने फन का चैलेंज किया, लेकिन मुझे अभी पता चला कि आज तक इनके जवाब किसी फनकार ने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान के एक अजीब फनकार के हिस्से में आई। तीनों से ज्यादा फिल्मों में अपने फन कमाल के जौहर दिखा चुके हैं। पहली फिल्म अनवरा, जिसका इतना गीत हुआ सुन के बिलो रखवा लिया, मसर की तहजीब को पहली बार मकर के अंदाज में ढाला, गिटार जैसे इंस्ट्रूमेंट को पहली बार मुतारिफ करवाया, और पाकिस्तान के पाकिस्तान से बाहर जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, आप ऑर्गन ले ले, कांगो ले ले, बैंगो ले ले, हारमोनियम ले ले, तबला ले ले, नाल ले ले, और ये फनकार का ये कमाल है कि अल्लाह ताला ने इसकी 10 उंगलियों में वो फन दिया है शायद किसी और फनकार के हिस्से में ये बात आई। बहरहाल मैं चाहूंगा कि इस फनकार का इस्तकबाल होने से पहले मैं उन दो अजीब फनकारों को यहाँ बुलवाना चाहता हूँ जो कि फनकार के बहुत अच्छे दोस्त थे और बड़े करीब रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जानते हैं पाकिस्तान के मकबूल मौसीकार नियाज हुसैन साहब से मेरी दरख्वास्त है कि भाई शब्बीर साहब से दरख्वास्त है कि आप यहाँ शब्बीर हुसैन के लिए तालियां। पाकिस्तान में कांगो बैंगो को जो इंट्रोड्यूस कराया वो इल्ताफ साहब ने कराया, नाल और जितने भी जो जो इंस्ट्रूमेंट इस शख्स के हाथ में आया वो इसने ऐसा बजाया कि उसमें यक्ता हो। अगर एक खसूसियत हो तो आज, मगर मैं तो सिर्फ दो लफ्जों में अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं
कि इतनी मेहनत और रियाजत से ये शफाफ बना, तब कहीं जाके ये इल्ताफ बना। और इसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूं, इसने इस बामिया रूज पे पहुंचाया कि जो अभी जो कादर वारसी साहब कह रहे थे, ये इश्तेहार पाकिस्तान में लगे हुए थे और ये बात हकीकत है। मगर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, साहब वो शख्सियत हैं कि जिस रात ये पैदा हुए थे उस रात हमारी कौम में कोई दूसरा बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी खसूसियत का मालिक पूरी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा तबला बजाते होंगे, बहुत अच्छी गिटार बजाते होंगे, बहुत अच्छा कांगो बजाते होंगे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, मगर कोई फर्द ऐसा नहीं है कि जो सारे साजों को बजाए और ऐसा बजाए कि जिसमें यकता हो जाए। बस ये इनकी खसूसियत है। और आपके सामने मैं ज्यादा देर हाजिर नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूं कि नियाज साहब आए और इनके लिए कुछ अपनी जबान से जो भी कहना चाहें स्टेज पर। नियाज साहब माशाल्लाह साहब हमारे मुल्क के नाम और मौसीकार सही जी सादिक साहब के बड़े दर्द से रात गए हैं और आज इतने अजीब फनकार के लिए दूसरा नजरिया तक कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी हमारे लिए ये फख्र की बात है। नियाज साहब और यहाँ के मुंतजमीन जिन्होंने ये महफिल का रंग भर दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद दूंगा। वो मुस्तहिक हैं इस प्रोग्राम के मुबारकबाद के कि उन्होंने इस प्रोग्राम के अंदर जिन तीन लोगों को बुलाया। आप देखिए मुल्क के तमाम शहरों से यहां लोग आए हुए हैं, उनका भी शुक्रिया। बात तो बहुत कुछ कहने के लिए मगर वक्त कम और मुकाबला सख्त। इस अजीम फनकार को यहां मुझे बुलाने के लिए दावत दी गई है, उसका शुमार दुनिया के उन लोगों में से है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के उन लोगों में से है जिन्हें ऊपर गिना जाता है। ये वो फनकार है, मेरा ख्याल के इनकी तमाम जितनी खसूसियात थी उनके बारे में तमाम लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं एक बात जानता हूं कि अल्ताफ हुसैन ताफो जिनका नाम है, वो आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या कुछ किया, क्या क्या जानते हैं वो। सारा जमाना वैसे तो जानता है, पूरी दुनिया में इनका नाम है, पूरी दुनिया जानती है कि अल्ताफ हुसैन ताफो क्या चीज है, इन्होंने क्या कारनामे अपने अंजाम दिए। और हम तमाम लोग मौसीकी के जितने भी जानने वाले हैं इस शख्स पर फख्र करते हैं कि हमारे मुल्क में भी एक ऐसा फनकार मौजूद है जिसे हम दुनिया के किसी भी फनकार के सामने पेश कर सकते हैं।